बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। चाची लिखा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा कि हजरत कैसा मामला रहा, कहा कि मेरी बख्शिश हो गई। अच्छा माशाल्लाह, आपकी तो बख्शिश होनी थी, आप इतने बड़े मुसन्निफ, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुअर्रिख, इतने बड़े मुस्लिम उम्मत, आपकी तो बख्शिश होनी थी माशाल्लाह। कहा कि नहीं, अल्लाह के सामने जब मेरी पेशी हुई, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया या मलाइकती इन तलीक़ अब्दिल जन्ना, मैं इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। मेरी अल्लाह ने जब बख्शिश कर दी तो मैं बड़ा खुश हुआ। साथ ही अल्लाह ने पूछा ए इमाम गजाली, तुझे पता मैं तेरी बख्शिश क्यों कर रहा हूँ? मैंने कहा रब्बे जलाल, आप दाना बीना है, मेरे इल्म में नहीं, क्यों बख्शिश की? फरमाया कि तेरी तसरीफ़ों की वजह से नहीं, तेरी वाज़ो नसीहत की वजह से नहीं, तेरी तहज्जुद इबादत की वजह से नहीं, तेरे जिक्र इबादत की वजह से नहीं, तेरी बख्शिश इस वजह से कर रहा हूँ। तो एक मरतबा तसरीफ़ कर रहा था, को किताब लिख रहा था और दवात में जब कलम डिबो के तो लिखता था बार बार, ज़ाहिर उस वक्त कलम दवात का ज़माना था। कहा कि एक मरतबा तुमने कलम जो दवात में डिबोई और जैसे लिखने लगा तो कलम के एक नोक के ऊपर चुके वो कतरा था स्याही का, रोशनाई का, एक प्यासी मक्खी आई और मक्खी ने आकर उसको पीना शुरू कर दिया। तो उन्हें मैज इस वजह से उसको रोक दिया कि प्यासी मक्खी है, लिहाजा ये अपना जिगर ठंडा कर ले, जब प्यास बुझा लेगी तो मैं लिखना शुरू करूंगा। उसने अपना जिगर ठंडा कर लिया, जैसे उड़कर गई तो उन्हें तस्वीर लिखना शुरू कर दी। तो उन्हें उस प्यासी मक्खी की प्यास बुझाई थी, आज तेरे लिए मैं जन्नत के चश्मे खोल दिए।